गाइस आज मेरे पास 5 वोल्ट की सुपरनोवा स्मार्ट वॉच, जैसे ये लॉन्च हुई थी लॉन्च होते आउट ऑफ स्टॉक चली गई थी, क्योंकि ये वॉच लगती है एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह देखने में, जो कि एप्पल वॉच आती है 80,000 की और ये बहुत ही कम प्राइस में हमें मिल जाती है मात्र 3,500 रुपए में। और इसका बॉक्स प्राइस इन्होंने देकर रखा है 18,999। और आज इस वीडियो में करते हैं इस वॉच का रिव्यू, देखते हैं कैसी ये वॉच है, क्या वैल्यू फॉर मनी है, आपको लेनी चाहिए फिर नहीं लेनी चाहिए। चलिए पहले इसके अनबॉक्सिंग करते हैं और उसके बाद आपको बताता हूँ इसका डिटेल में रिव्यू। तो ये है गाइस बॉक्स, कुछ इस तरह का बॉक्स दे के रखा है, काफी छोटा जैसा क्यूट जैसा बॉक्स है। और ये है 5 वोल्ट सुपरनोवा, ब्लूटूथ कॉलिंग के साथ में आती है, एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 1.78 इंच की इसकी डिस्प्ले है, 128 प्लस स्पोर्ट्स मोड मिल जाते हैं। और बॉक्स के ऊपर मेंशन किया है SPO2 सेंसर मिल जाता है, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है, हार्ट रेट सेंसर मिल जाता है और इनबिल्ट कुछ गेम्स भी मिल जाती है। और इसके अलावा ब्लूटूथ कॉलिंग, IP67 वाटर रेसिस्टेंस और इसके डिस्प्ले की पिक्सल रेजोल्यूशन इतने दे के रखे हैं और इनबिल्ट माइक्रोफोन और स्पीकर भी मिल जाता है। और इसका बॉक्स प्राइस 18,999 दे के रखा है, जो कि मैं इसके फीचर्स के हिसाब से तो मैं नहीं कहूंगा कि इतनी महंगी ये हो सकती है, बस इसका डिजाइन एप्पल वॉच की तरह देके रखा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इतनी महंगी है ये। तो चलो पहले इसकी अनबॉक्सिंग कर देते हैं, अब देखते हैं अंदर हमें क्या मिलता है। तो गाइस सबसे पहले यहां पर हमें 5 वॉट का यूजर मैनुअल देखने को मिलता है इस वॉच का, जिसके अंदर काफी कुछ बताया गया है, इसकी तो जरूरत है नहीं। और नेक्स्ट हमारे सामने यहां पर वॉच दिखी हुई नजर आ रही है, जो कि कुछ इस तरह की पैकिंग के साथ में आती है। तो ये है हमारी वॉच एप्पल वॉच अल्ट्रा, जो कि हमें 3,500 की मिल चुकी है। तो देखने में तो काफी हद तक एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह लग रही है ये। और ये जो स्ट्रैप देके रखा है ये भी, तो पहले इसे साइड में रखते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या है। और यहाँ पर चार्जिंग केबल देके रखी है, जो कि मैग्नेटिक वाली देके रखी है, टाइप सी टाइप की होती तो ज्यादा अच्छा रहता, पर वॉचेस में हमें ऐसी देखने को मिलती है, इसे साइड में रखते हैं। इसके अलावा यहाँ पर 1 साल के वारंटी कार्ड देके रखा है, जो कि आप रजिस्टर कर सकते हो यहाँ से, इंडिया नंबर 1 स्मार्ट वॉच ब्रांड इन 2022। और यहाँ पर कुछ कूपन्स देके रखे हैं, जो कि गाना ऐप के हो गए और बोल्ट प्ले जियो म्यूजिक, स्पॉटिफाई और गेम्स के लिए, और ये कुछ कूपन्स है ये भी यूज कर सकते हो आप। अगर 2 स्ट्रैप मिल जाते हैं हमें बॉक्स के अंदर तो और भी अच्छा रहता। तो गाइस ये सारा सामान है बॉक्स के अंदर, अभी वॉच की तरफ आते हैं डायरेक्ट। तो गाइस ये वॉच आ गई है हमारे हाथ में और यहाँ पर एक और रैपर लगा हुआ है इसके ऊपर, इसे हटा देता हूँ। तो गाइस इसे हमने हटा दिया है और वॉच हमारे सामने कुछ ऐसी लग रही है। और ये जो ट्रैप देके रखा है, जो एप्पल का ओशियन बैंड आता है ना, उसकी तरह देखने को लग रहा है। और क्वालिटी इसकी काफी बढ़िया लग रही है मुझे, और ओवरऑल जो बिल्ड है इस वॉच की वो भी काफी बढ़िया है, मेटल की देके रखी है। और यहाँ पर हमें एक क्राउन मिल जाता है और उसके साथ में एक बटन भी देके रखा है। और दूसरी साइड देखें तो यहाँ पर स्पीकर भी देके रखा है, जहाँ से ऑब्वियसली बात है ऑडियो आउटपुट आएगी। और बैक साइड में यहाँ पर 5 वोल्ट की ब्रांडिंग देके रखी है और सारे सेंसर मिल जाते हैं हमें बैक साइड में। तो देखने में तो काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, पहली लुक में पसंद आ जाएगी आपको। तो पहले मैं इसे ऑन कर देता हूँ, ऑन करने के लिए इसका ये जो क्राउन बटन ये हमें प्रेस करके होल्ड करना होगा। तो ये ऑन हो चुकी है और यहाँ पर 5 वोल्ट लिखा हुआ आ चुका है। तो गाइस एमोलेड डिस्प्ले इसकी काफी ज्यादा सही लग रही है और यहाँ पर हमें एप्पल वॉच अल्ट्रा की तरह वॉलपेपर देखने को मिल जाता है, तो ये भी मुझे काफी सही लग रहा है। पर यहाँ पर मैंने स्टार्टिंग में इसकी एक कमियां भी देख ली, जो कि मुझे इसमें अच्छी नहीं लग रही है। अगर मैं इसका पावर बटन दबाता हूं तो ये आप देख सकते हो रिस्पांस टाइम इसका स्लो है, जैसे मैंने इसे दबाया तो थोड़ी देर बाद ये ऑन हो रही है, टाइम ले रही है। और जब मैं इसे ऑफ कर रहा हूँ तब तो फास्ट हो जा रही है, पर ऑन करने में ये थोड़ा टाइम ले रही है। इसमें हमें रेज टू बेक की ऑप्शन मिल जाती है, तो ये भी मुझे थोड़ी सी स्लो लग रही है। एक बार फिर से यूज करके देखता हूँ तो हाँ गाइस ये भी थोड़ी स्लो देके रखी है। तो ये चीजें तो फास्ट होनी चाहिए, इमीडिएटली वर्क करनी चाहिए, पर यहाँ पर मुझे स्टार्टिंग में कमियां दिखाई दे रही है इस वॉच में। एक बार हाथ में पहन के चेक कर लेता हूँ, क्या पता तब ये सही से काम करे। तो गाइस हाथ में तो बिल्कुल परफेक्ट फिट हो चुकी है और काफी ज्यादा कूल लग रही है देखने में, और ऐसे पता नहीं लगेगा कि एप्पल वॉच अल्ट्रा या फिर ये 5 वोल्ट की वॉच है। देखते हैं इसका रेज टू बेक वाली ऑप्शन कैसी वर्क करती है। गाइस थोड़ी सी स्लो तो है, मतलब थोड़ा सा और अच्छा फास्ट रिस्पांस होता तो मजा आ जाता, तो हो सकता है कि अपडेट के साथ में इसे फिक्स कर दे 5 वोल्ट। पर हाँ जिस प्राइस में ये दे रहे हैं उस हिसाब से ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 1,000 रुपए की स्मार्ट वॉच भी पड़ी हुई है और इसका भी रिस्पॉन्स टाइम ऑलमोस्ट इसी की तरह है, तो फिर फर्क कुछ ज्यादा रहा नहीं। तो फिर फास्ट तो होनी चाहिए अगर आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, ये 1,000 रुपए से भी कम में मैंने ली है ये, और ये है सेंस की न्यूटन बन। तो फिर गाइस इस वॉच का मैंने काफी देर यूज कर लिया और इसे यूज करने के लिए आपको डा फिट करके एक एप्लीकेशन इसे यूज करना होगा, तो मोस्टली यही एप्लीकेशन यूज होती है स्मार्ट वॉचेस के लिए। तो यहाँ पर आपने अपनी वॉच ऐड कर देनी है, यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है इसके कस्टमाइजेशन के, नोटिफिकेशन के लिए किस किस एप्लीकेशन की आपको नोटिफिकेशन चाहिए, और वॉच फेसेस आपको बहुत सारे मिल जाते हैं और आप चाहें तो खुद से डाउनलोड भी कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं वॉच फेसेस के, और आप खुद से भी एडिट कर सकते हो, खुद से कस्टमाइज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। और इसके अलावा और भी बहुत सारी ऑप्शन मिल जाती है आपको ऐप के अंदर। पर हम चलते हैं अपने वॉच की तरफ, इसकी अच्छी और बुरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको प्लान कर रहे हो बाय करने की तो आपको लेनी चाहिए
या फिर नहीं लेनी चाहिए। पहली बात, यहाँ पर एमोलेड डिस्प्ले देके रखे, तो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मैं इसका यूज कर रहा हूँ, तो कुछ इस तरह का दिखाई देती है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो यहाँ पर इसकी एक गलत बात है, इसमें रेज टू बेक वाली ऑप्शन काम नहीं करते जब आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इसकी यूज करते हो, आपको इसका बटन प्रेस करना पड़ेगा तभी जाके डिस्प्ले ऑन होती है और इसका जो इंटरफेस है वो आपको दिखाई देता है। और यहाँ पर इसकी ब्राइटनेस की तरफ देखा जाए तो काफी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले देके रखी है और बिल्कुल फ्लैट डिजाइन में आती है, तो इसका वो चीज मुझे काफी अच्छी लगी। और ये मेरे पास एक और वॉच रखी हुई है, इसके जो कॉर्नर है वो राउंड देके रखे हैं पर ये फ्लैट जो वो ज्यादा अच्छी लग रही है। और इसकी एक और बात मुझे अच्छी लगी, ये जो बैजेस देके रखे हैं ये बिल्कुल सेम साइज के, अगर आप ये दूसरी वाली वॉच देखोगे तो यहाँ पर नीचे वाले साइड के जो बैजेस है ये काफी ज्यादा मोटे देके रखे हैं, ये हमारे काफी ज्यादा कम प्राइस में आ जाती है, ये थोड़ी सी महंगी है, तो इसके बैजेस मुझे काफी अच्छे लगे, पर थोड़े से और पतले कर देते हैं तो और भी ज्यादा सुंदर लगती है वॉच। पर कोई दिक्कत की बात नहीं, जब आप कोई डार्क वॉलपेपर यूज करोगे तो ये पता भी नहीं लगता है इसका, पर अगर आप ये वाला वॉलपेपर यूज करते हो तो इतने से दिखाई देंगे ये, पर फिर भी अच्छी लग रही है ये वॉच। और यहाँ पर आप इस वॉलपेपर पर टैप करोगे जो कि एप्पल वॉच की तरह लगता है तो ये कलर भी चेंज करता है, तो ऑरेंज टैप के साथ में है तो ये वाला काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके अलावा ये जो क्राउन बटन देके रखा है यहाँ पर भी हमें ऑरेंज कलर की शेड मिल जाती है, तो जैसे कि एप्पल वॉच में देके रखी है, तो ये भी काफी अच्छी लगती है। इसे आप यहाँ से रोटेट करोगे तो आपका वॉलपेपर भी चेंज हो जाता है, तो बहुत सारे वॉलपेपर की ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाती है, काफी अच्छे अच्छे वॉलपेपर आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगे। और इसके साथ में ये बटन देके रखा है और उसके साथ में माइक भी देके रखा है, अगर आप इस बटन को प्रेस करोगे तो ये एक्शन मोड के लिए देके रखा है, यहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हो अपनी ऑन, जैसे साइकिलिंग हो गया, बैडमिंटन खेलना चाहते हो, बास्केटबॉल हो गया, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से ही ऑन कर सकते हो। यहाँ पर 123 प्लस स्पोर्ट्स मोड देके रखे हैं, तो काफी अच्छी बात है इस वॉच की ये। और इसके अलावा इस वॉच में स्प्लिट स्क्रीन जैसे ऑप्शन भी मिल जाते हैं, तो जो भी आपने रिसेंटली यूज किया होता है तो वो आपको यहाँ पर दिख जाता है। और ये मेटल बॉडी देके रखी है, इसकी क्वालिटी काफी अच्छी है, मतलब इस वॉच की जो है बिल्ड क्वालिटी मुझे सच में काफी अच्छी लगी। और बैक साइड में ये जो सेंसर देके रखे हैं ये भी काफी ज्यादा अच्छे हैं देखने में, और कैसे वर्क करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पर उससे पहले आपको यहाँ पर सेटिंग्स की तरफ लेके जाऊं, तो यहाँ पर आपको ब्राइटनेस कंट्रोलर मिल जाता है, इसकी वाइब्रेशन आप ऑन ऑफ कर सकते हो, टच रिस्पॉन्स इसका सच में काफी अच्छा है, और अगर आप कोई सस्ती वॉच लेते हो तो उनमें टच रिस्पॉन्स उतना अच्छा नहीं होता है, पर इस वॉच में सच में मैं कह रहा हूँ कि टच रिस्पॉन्स इसका काफी अच्छा देके रखा है। और इस वॉच में ब्लूटूथ कॉलिंग के ऑप्शन भी देके रखी है, तो कॉलिंग के लिए बस आपने अपने फोन को ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर देना, यहाँ पर ऑडियो फायरबोल्ट करके अलग से आती है ऑप्शन, जैसे आप कनेक्ट कर दोगे फिर अब जो भी कॉल्स आएगी वो आप बॉस से उठा सकते हो और सुन भी सकते हो, और यहाँ से आप इसे चाहे तो ऑन ऑफ भी कर सकते हो। और यहाँ पर थिएटर मोड भी देके रखा है, ब्राइटनेस थोड़ी कम हो जाती है इसमें। और वेदर की ऑप्शन मिल जाती है, तो आप वेदर भी यहाँ से पता लगा सकते हो, यहाँ पर टैप करके ये आप देख सकते हो। और इसके अलावा मैं आपको अगर और सेटिंग्स दिखाऊं, तो सेटिंग्स अंदर पहले तो आपको डिस्प्ले सेटिंग मिल जाती है, ऑटो ब्राइटनेस की ऑप्शन है जो कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर रख सकते हो। और मेन्यू स्टाइल आपको दो स्टाइल मिल जाते हैं, एक तो ये वाला है जो कि काफी बढ़िया है, ये हनीकॉम स्टाइल में, और यहाँ पर आपको दिखाऊंगा मैं गेम भी खेल सकते हो आप इस वॉच के अंदर। और दूसरा मेन्यू स्टाइल हमारा नॉर्मल जो लिस्ट वाला है, तो ये भी काफी बढ़िया है, मतलब जो भी आपको अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हो। और अच्छी बात ये है कि टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, तो ये स्मूथली वर्क करता है। और मेन्यू स्टाइल के बाद ये ब्राइटनेस की ऑप्शन आपको अंदर भी मिल जाती है और वॉच फेसेस की, तो ये सारी ऑप्शन आपको मिलती है। और इसके बाद बात करें तो वाइब्रेशन रिंगटोन की ऑप्शन मिल जाती है, लो पावर मोड भी देके रखा है, लो पावर मोड भी आप यूज कर सकते हो, थिएटर मोड है, फोन कॉल की ऑप्शन है, कॉल रिसेट की ऑप्शन है, एआई भी देके रखा है, एआई आप यूज कर सकते हो, जैसे सीरी यूज करनी है तो वो भी कर सकते हो, यहाँ पर टैप करोगे प्ले म्यूजिक तो गाना चल पड़ा, ये आप देख सकते हो। और आपके आईफोन के साथ में कनेक्ट है तो फायदा ये है, आप यहाँ से डिवाइस सेलेक्ट कर सकते हो, आईफोन में म्यूजिक प्ले करना है तो आईफोन में कर सकते हो, लैपटॉप में करना है तो लैपटॉप में कर सकते हो, जो भी आपके एप्पल डिवाइसेज है। तो ये काफी अच्छी बात है, वॉच में सुनना है वॉच में सुन लो, फोन में सुनना है फोन में सुन लो, लैपटॉप में सुनना है लैपटॉप में सुन लो, तो ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती है अगर आपके पास आईफोन है। और एंड्रॉइड के साथ में आई डोंट नो कि कैसे वर्क करती है ये। इसके अलावा यहाँ पर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाती है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में यहाँ पर आपको दो स्टाइल मिल जाते हैं, एनालॉग और डिजिटल, मैं डिजिटल वाले यूज कर रहा हूँ, आप चाहे तो एनालॉग भी यूज कर सकते हो और बंद भी कर सकते हो। पर इसमें मैंने आपको बताया अगर ऑलवेज जो डिस्प्ले ऑन है तो फिर रेज टू वेक वाली ऑप्शन काम में नहीं आती, आपको पावर बटन ही प्रेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जाके डिस्प्ले ऑन होती है, और ये थोड़ा सा रिस्पांस जो है वो काफी ज्यादा स्लो लगा मुझे डिस्प्ले ऑन होने के लिए। तो अगर फायरवॉल्ट इसमें कोई अपडेट लेके आता है इस वॉच के अंदर तो ये फिक्स हो सकता है, मतलब सिंपल शब्दों में कहूं तो थोड़ा प्रोसेसर स्लो दे है इसके अंदर। और एआई के बाद फाइंड फोन की ऑप्शन भी है, तो आपके फोन रिंग करना शुरू कर देगा, तो आपको अगर फोन नहीं मिल रहा है तो आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। और इसके बाद सिस्टम में आपको इसका रीसेट पावर बटन वगैरह की ऑप्शन मिल जाती है, और ये नोटिफिकेशन आपको वॉच में भी आ जाती है, तो जैसे अभी नोटिफिकेशन आई तो ये वॉच के अंदर आई डायरेक्ट, और ये अभी फोन में भी आई थी तो सेम टाइम पे आ गई नोटिफिकेशन, तो काफी अच्छे लगा मुझे। और इसके अलावा लास्ट में अबाउट है, यहाँ पर आप ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको स्कैनर दिया गया है जो डाफिट एप्लीकेशन है ये। और बैटरी बैकअप की बात करूं तो अभी मुझे बैटरी बैकअप इसका ठीक ही लग रहा है, बाकी यूज करके पता लगेगा कैसी बैटरी बैकअप ये देता है। और यहाँ से आप अपना म्यूजिक भी कंट्रोल कर सकते हो प्ले पॉज वॉच से ही, और कैमरा भी आप यूज कर सकते हो वॉच से, अगर अपने फोन का आपने कैमरा यूज करना है तो वो भी कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पर कैमरा ऑन हो गया है तो यहाँ से आप
फोटो क्लिक कर सकते हो। तो ये फोटो क्लिक हो गया आगे, तो इस वॉच की मदद से आप फोटो क्लिक कर सकते हो। तो लुक में तो काफी हद तक ये एप्पल वॉच की तरह है, पर एग्जैक्ट एप्पल वॉच की तरह नहीं है। एप्पल वॉच में आपको लेफ्ट साइड में एक बटन मिल जाता है, वो यहाँ पर नहीं है, और सेंसर जो वो थोड़े देखने में अलग देके रखे हैं, पर बैक साइड से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सारी बातें हैं, बाकी नोटिफिकेशन आप देख सकते हो यहाँ पर आ जाती है। इसका स्ट्रैप मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगा, तो आपको एक बार मैं पहन के दिखा देता हूँ। तो इस स्ट्रैप को आप इजिली पहन सकते हो, बहुत अच्छा स्ट्रैप देके रखा है। स्ट्रैप की क्वालिटी सच में काफी ज्यादा अच्छी है, और यहाँ पर एक रिंग जैसी देके रखी है ये आगे, इसे आप खुद के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, ये निकल जाती है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखने में तो काफी ज्यादा बढ़िया है, हाथ में कंफर्ट काफी बढ़िया आ जाता है, और इसमें जो स्पोर्ट्स मोड है वो सारे देके रखे हैं। स्विमिंग के टाइम भी आप इसे यूज कर सकते हो, बाकी मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। इसका वाटर टेस्ट किया जाए या फिर ना किया जाए वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगर चाहिए तो फिर हम कर देंगे वाटर टेस्ट। और इस वॉच में आपके रनिंग स्टेप्स भी पता लग जाते हैं, तो मुझे काफी हद तक ये ठीक लगे, मतलब मैं कहूंगा कि 80-90% एक्यूरेसी है कुछ इसकी, मुझसे चेक कर रहा था। तो और यहाँ पर आपकी ये स्लीप ट्रैक भी करता है, वो मैं अभी यूज नहीं कर पाया, वो भी यूज करेंगे इसका। और हार्ट रेट मॉनिटरिंग भी देके रखी है, तो ये इसकी ठीक लगी मुझे। और इसके अलावा SPO2 सेंसर देके रखा है, ये भी इसका ठीक लगा मुझे। और इस यहाँ पर आप कुछ और ऐड करना चाहते हो तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे अलार्म हो गया, और यहाँ पर बहुत कुछ देके रखा है, वो आप खुद से भी कस्टमाइज कर सकते हो। यहाँ पर कैलकुलेटर भी मिल जाता है आपको, तो अगर आप स्टूडेंट हो तो आप कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हो इसका बढ़िया से। और यहाँ पर गेम के ऑप्शन देके रखे है, तो गेम भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर 2048 गेम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो कुछ ये गेम देके रखी है, आई डोंट नो ये कैसी गेम है, कैसे खेलते हैं, पर ये गेम भी आपको मिल जाती है। अगर यहाँ पर ऑप्शन होते खुद से डाउनलोड करने की गेम, 4-5 गेम हम डाउनलोड कर पाते तो और भी अच्छा रहता। तो गाइस मैंने सारी अच्छी बातें बता दी आपको इस वॉच के बारे में, आप थोड़ी बुरी बातें बता देता हूँ। तो पहली बात जो कि मैंने आपको बताई, मुझे इसकी स्पीड कम लगी, तो उतना मजा नहीं आता है। जब यूजर एक्सपीरियंस की बात आती है तो थोड़ा सा दिक्कत कर जाती है। ऑलवेज ऑन इसकी डिस्प्ले काफी अच्छी है, बट उसमें भी रेज टू बेक की ऑप्शन है वो काम में नहीं आती है, तो फिर आपको पहले पावर बटन इसका प्रेस करना पड़ता है, तब जाके ये ऑन होती है। तो ये दो मेजर कमियां मुझे इसके अंदर देखने को मिली। अगर फायर वोल्ट इसे किसी भी अपडेट के जरिए ठीक कर देता है तब तो अच्छी बात है, वरना इसका प्राइस कम होना चाहिए, क्योंकि ये एक यूजर एक्सपीरियंस को काफी ज्यादा बेकार कर देती है जिस प्राइस पे ये दे रहे हैं उस हिसाब से। और बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी, फिनिश वगैरह काफी अच्छी है, कंफर्ट इसका काफी अच्छा है, डिस्प्ले का टच रिस्पॉन्स काफी अच्छा है, और कॉल क्वालिटी भी मुझे इसकी अच्छी लगी। सच बता रहा हूँ, इसकी कॉल क्वालिटी मुझे अच्छी लगी, और जो स्पीकर के आउटपुट है वो भी अच्छी है, मतलब जिस प्राइस रेंज में दे रहे हैं उस हिसाब से वॉच के अंदर काफी अच्छे स्पीकर देके रखे हैं। आपको सुना भी देता हूँ, मतलब अगर आप किसी के साथ कॉल पे बात करो या फिर आपने थोड़ा बहुत म्यूजिक सुनना है तो वो आप इजीली सुन सकते हो। वैसे म्यूजिक के लिए तो उतने अच्छे मैं नहीं कहूंगा, पर सुन सकते हो आप अगर सुनना चाहते हो। और कॉल के टाइम तो अच्छा रिस्पांस दे ही दे रहे हैं। और माइक इसका दे के रखा है राइट साइड में, तो जब आप कॉल पे बात करोगे तो आपको अपने फेस के पास में रखना पड़ेगी ये बॉस, तब जाके दूसरे पर्सन को क्लियर सुनाई देता है। बाकी रिस्पॉन्स अच्छा है, और रेंज भी इसकी ठीक है। एक रूम से बाहर में दूसरे रूम तक गया था तो मतलब 15-20 फीट तक ये अच्छा रिस्पॉन्स कर देती है, कनेक्शन इसका छूटता नहीं है। तो फिर ये सारी आते हैं इस वॉच के बारे में। तो मुझे ये पड़ी थी 3324 की, तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो जिस हिसाब की ये वॉच देके रखी है तो इसका प्राइस थोड़ा सा कम होता तो और भी ज्यादा मजा आ जाता, क्योंकि ये जो थोड़ी स्लो लगी वॉच उस वजह से थोड़ा सा मजा सा नहीं आया। उसके अलावा वॉच ओवरऑल काफी बढ़िया है, अगर आपको 3000 से कम मिल जाती है तब तो बेस्ट डील रहने वाली है। बाकी आपकी चॉइस है, बुरी नहीं है। जो कमियां थी वो मैंने आपको बता दी, और जो अच्छी बातें थी वो भी मैंने आपको बता दी, तो बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको लेनी है फिर नहीं लेनी है। पर हां ये कह सकता हूं इस रेंज में आपको और भी काफी अच्छी ऑप्शंस मिल जाएगी, पर ये डिजाइन देखने को नहीं मिलेगा। तो फिर ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ब्लॉग चैनल पर भी आ जाओ, ब्लॉग चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, मस्त मस्त ब्लॉग्स हम वहां पर बनाते रहते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल गाइस, टेक केयर, बाय बाय।